Sambodhi Retreat, a world-class resort. Food, swim, stay, enjoy. Experience your dreams at Sambodhi Retreat Bodh Gaya and Dhanbad. बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में हुए यौन उत्पीड़न की घटना की जांच सीबीआई कर सकती है। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार बाल सुरक्षा अधिकारी रवि रोशन की पत्नी ने बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत में रोशन की पत्नी शिभा कुमारी ने आरोप लगाया है कि मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा बालिका गृह में आते जाते रहते थे और लड़कियों के शोषण के मामले में उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर बिहार की राजनीति उबाल पर है। इस मामले में नीतीश सरकार की मंत्री के पति का नाम सामने आने पर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा में भी मामले को उठाया और सरकार को बर्खास्त कर नीतीश से इस्तीफे की मांग की। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गुरुवार को साइकिल चलाने के दौरान पटना की सड़क पर गिर गए। दरअसल राजद द्वारा निकाले जाने वाले साइकिल यात्रा को लेकर तेज प्रताप यादव साइकिलिंग की प्रैक्टिस करने निकले थे। इसी दौरान रिहर्सल के क्रम में वो अपने सुरक्षा कर्मियों की जिप्सी से जा टकराए और सड़क पर जा गिरे। बिहार में पिछले 6 सालों से स्पोर्ट्स कोटेस में होने वाली सरकारी नौकरी की बहाली पर लगी रोक को लेकर बिहार प्लेयर एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने आज बिहार के खेल मंत्री के आवास का घेराव किया। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मंत्री ने इस दिशा में जल्द पहल करने का भरोसा दिलाया है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज पटना के कारगिल चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल सतपाल मलिक भी कारगिल चौक पहुंचे और शहीद जवानों को सलामी दी। बस एक बटन दबाए और जीते ढेरों इनाम। मोबाइल, घड़ियां, चांदी के सिक्के और ढेरों इनाम। बस रिपोर्टर्स 11 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और बन जाए विजेता। अब आप भी बने रिपोर्टर और भेजें अपनी खबरें सिर्फ रिपोर्टर्स 11 पर। सच दिखाने की ताकत रखते हैं हम। अगर आपके अंदर है कुछ करने का दम तो हमसे जुड़े।